हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम शो। मैं अपेक्षा, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपने हेयर किस तरह से वॉश करती हूँ, अपने बालों में शैम्पू और कंडीशनर को किस तरह से अप्लाई करती हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों को पानी से गीला कर लूँगी ताकि मेरे बालों में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो थोड़ा बहुत निकल जाए और शैम्पू अच्छे से लग पाए। अब मैं यहाँ बायोटिक का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। इसको यूज़ करने के बाद मैंने इसको 2 से 3 बार यूज़ कर लिया है। अब मैं आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट भी जल्द ही शेयर करूँगी। शैम्पू को हमेशा इसी तरह से यूज़ करना चाहिए। कोई भी आप बाउल ले लीजिए, इसके अंदर थोड़ा पानी मिलाकर एक झाग बनाकर इसको अपने स्कैल्प में अप्लाई कीजिए। अगर आप शैम्पू डायरेक्ट अप्लाई करोगे अपने स्कैल्प में तो शैम्पू थोड़ा बहुत अपने स्कैल्प में रह जाएगा और इससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये शैम्पू इतना झाग नहीं बनाता लेकिन अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर लेता है। अब शैम्पू को इसी तरह से अपने फिंगर की मदद से मसाज करते हुए लगाइए ताकि स्कैल्प के अंदर जितना भी धूल मिट्टी डर्ट्स वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। अब मैं थोड़ा और शैम्पू लूँगी। अभी मुझे अपनी हेयर लेंथ में अप्लाई करना बाकी है इसीलिए मैं थोड़ा और शैम्पू लूँगी। इसके अंदर थोड़ा पानी मिक्स करूँगी और एक झाग बना लूँगी और इसको अपनी हेयर लेंथ में अप्लाई करूँगी। बालों को हमेशा इस तरह से आगे रख कर ही वॉश करना चाहिए। वीडियो को लाइक किया कि नहीं, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो यार। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कभी भी बालों को इस तरह से रगड़ के नहीं वॉश करना चाहिए, हमेशा इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर जैसे हम कॉम करते हैं अपने बालों में, इस तरह से अपनी फिंगर की मदद से ऊपर से नीचे की ओर लेकर ही क्लीन करना चाहिए। अब मैं पानी से शैम्पू को निकाल लूँगी। इस तरह से मैं अपने हेयर में 2 बार शैम्पू अप्लाई करती हूँ क्योंकि 1 बार शैम्पू करने से ऑयल और डर्ट्स वगैरह नहीं निकलता, तो हमेशा 2 बार तो शैम्पू करना ही चाहिए अपने बालों में। इसके बाद मैं यहाँ बायोटिक का कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। इसको भी मैं आप लोगों के साथ यूज़ करने के बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ सेपरेट वीडियो बनाकर इसका रिव्यू जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। गाइज, ये आयुर्वेदिक टाइप का है, एकदम वाटर बेस में है। ये और कंडीशनर से बिल्कुल अलग है, एकदम पानी की तरह ही है। और हाँ, कंडीशनर को कभी भी स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमेशा हेयर की लेंथ में ही कंडीशनर को अप्लाई करना चाहिए। आप देख सकते हो शायद मैं वीडियो में किस तरह से कंडीशनर को अप्लाई कर रही हूँ। जिस तरह से हम अपने बालों में कॉम करते इस तरह से अपनी फिंगर की मदद से ऊपर से नीचे की ओर लेकर आ रही हूँ। ये हेयर को नेचुरली स्ट्रेट करने का तरीका है। अगर आप इस तरह से कंटिन्यू अपने बालों में ये फॉलो करोगे आप, तो आपका कुछ टाइम में आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट होते जाएंगे। मेरे बाल पहले बहुत ही ज़्यादा कर्ल्स थे, पहले के बाल और अब के बाल में बहुत ही ज़्यादा फर्क आया है। ये एकदम वाटर बेस में है ये कंडीशनर, इसीलिए मैं अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर अप्लाई कर रही हूँ अपने हेयर लेंथ में। इसको लगाकर मैंने 3 से 4 मिनट छोड़ दिया था। कंडीशनर को कभी भी 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए अपने हेयर में। अब मैं इसको पानी से क्लीन कर लूँगी। तो फाइनली मैं शावर लेकर आ गई हूँ। अब एक टावल की मदद से अपने बाल को बांध लूँगी अच्छे से 15 से 20 मिनट तक, जब तक मेरा एक्स्ट्रा हेयर में से जो पानी है वो सूख ना जाए, तब तक मैं इसको 15 से 20 मिनट तक बांध के रखने दूँगी।
इस तरह से मैं 15 से 20 मिनट तक अपने बालों में टॉवल रहने दूंगी जब तक मेरे हेयर में से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख ना जाए। इस दौरान मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। तो गाइस मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और हाँ, अगर आप लोग मेरी स्किन केयर रूटीन देखना चाहते हो तो कॉमेंट करके जरूर बताएगा, मैं आप लोगों को स्किन केयर के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी। आजकल मैं ये बायोटिक का बायो माउंटेन सीरम यूज कर रही हूँ। अगर आपको हेयर ग्रोथ की ट्रीटमेंट चाहिए तो ये इसके लिए है। मैंने इसको 2 से 3 बार यूज किया है। मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं अभी इसको यूज कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा रिजल्ट मिलता है, फिर आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी। तो इसको यूज कैसे करना है, जब भी आप अपने हेयर वॉश करके आते हो तब इसको स्कैल्प में अप्लाई करना है। जैसे हम आमतौर पे सीरम यूज करते हैं, जैसे कि लीवोन वगैरह सीरम होता है, वो हम अपने बालों के लेंथ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें इसे अपने बालों के स्कैल्प में अप्लाई करना है। इसको थोड़े अमाउंट में ही अपने हाथों में लेना है और इस तरह से फिंगर से मसाज करते हुए अपने स्कैल्प में इसे अप्लाई करना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से यूज करती हूँ। इस तरह से मैं, तो आप देख सकते हो इसकी, इसका कलर एक आयुर्वेदिक टाइप का कुछ कलर है और इसकी फ्रेग्रेंस भी आयुर्वेदिक टाइप की ही है। बस इसको मैं थोड़े से ही अमाउंट में लूंगी अपने हैंड में और इसको इस तरह से अपने फिंगर से स्कैल्प में मसाज करते हुए लगाऊंगी। ये एक वाटर बेस में ही है, तुरंत ही अपने हेयर में ड्राई हो जाएगा। अब मैं थोड़ा और लूंगी। इस तरह से नीचे से भी, नीचे की स्कैल्प में भी लगा लूंगी। तो यही था मेरा हेयर केयर रूटीन। इसी तरह से मैं अपने बालों में शैम्पू कंडीशनर वगैरह यूज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये हेयर केयर वीडियो पसंद आए और लगे कि आपके लिए यूजफुल एंड हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।